हेलो दोस्तों, अगर आपने भी ऐसी देखी होगी कई वीडियो में, अगर कैसेट घूमती है, सॉन्ग जब बजता है तो कैसेट घूमती है, ऐसा आपने देखा होगा। और आप भी ऐसा बनाना चाहते हो तो आप नहीं बना पा रहे हो, तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। पर इससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि हम हमेशा ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको एक कैसेट बनाने के लिए एक पिक्सआर्ट ऐप की ज़रूरत पड़ेगी और ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैंने तो डाउनलोड कर रखा, तो इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको प्लस के निशान पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको कलर सेट करें से बैकग्राउंड आप कोई भी लगाना चाहो तो आप अलग से फ़ोटो भी ले सकते हो। और मैं आपको यहाँ से समझाने के लिए यहाँ से कलर वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। दोस्तों, मैं इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो शेष मास्क कैसा लिखा है इस पर क्लिक करना है और इसके बाद इस लाइन को पूरी खींच देना ताकि ये गोल एकदम हो जाए। इसको पूरी खींच देने का अपन को, उसके बाद यहाँ राइट के निशान पर क्लिक कर देना है आपको। अब इसको राइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप इस कैसेट पे आपको जो लगा हुआ फ़ोटो आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, तस्वीर जोड़ें, यहाँ से आपको क्लिक करके आपको आपके हिसाब से जो फ़ोटो चेंज कर लेनी है। तो मैंने ये अर्जुन आर्मड़े की फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है और इसको मैं मैनेज कर लेता हूँ। अब इसको मैनेज करने के बाद दोस्तों, आपको दूसरी साइड भी फ़ोटो एक लगा लेनी है, जो आपको लगाना चाहते लगा लेनी है। तो दोस्तों, मैंने दूसरी साइड भी ये फ़ोटो लगा ली है। अब आपको क्या करना है, तो अब इसको राइट पर क्लिक करके जो आप ब्रश जो लोग फोटो के नीचे लगाते हैं, आपने देखा होगा कहीं भी, तो यहाँ से आपको ब्रश पे क्लिक करके यहाँ से आप ब्रश लगा लीजिए, जैसे मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो मैं इसको लगा लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे ज़्यादा हो रहा हो तो इसको मैनेज करके आप अपने हिसाब से लगा लेना। तो मैं लगा लेता हूँ अभी। तो दोस्तों, मैंने ब्रश लगा लिया है और अब आपको यहाँ पे कुछ लिखना, तो टेक्स्ट से लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करना है और जो भी आप लिखना चाहो वो लिख देने का। मैं अर्जुन आर्मड़े का नाम ही खाली लिख के आपको समझा रहा हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया, अब इसको यहाँ से राइट करना है। और इसके बाद दोस्तों, आप इसको जूम कर सकते हो, लंबा छोटा जो भी करना चाहे ऊपर नीचे करके कर सकते हो। और इसकी लैंग्वेज भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जैसे छोटे अक्षर बड़े अक्षर, जो राइटिंग में कुछ भी लिखना था तो आगे से यहाँ ऊपर दिख रहा है दोस्तों। अब कलर की बात करें तो यहाँ पे कलर भी है, आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। ये कलर दिख रहा है और आगे पीछे जो भी आपको कलर लगाना है, कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो मैं मेरी पसंद का कलर भी सेट कर लेता हूँ। दोस्तों, ये मैंने कलर सेट कर लिया है। अब दोस्तों, आपको टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है, जिससे कि आपके अंदर ये ऑप्शन आपके सभी मोबाइल में आते हैं। अगर आपके पास नहीं आते दोस्तों, आप PNG कैसेट डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे है तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ और उसको मैंने ले लिया। अब इसको राइट पे क्लिक कर दो, ये 2020 आ गए। इसको आगे पीछे आपको ज़रा भी नहीं करना है, तो ये फिर आगे पीछे हो जाएगी, छोटी ही कर देना बस। आप जैसे रखना सबसे छोटी कर देना और इसके बाद राइट पे क्लिक कर देने का। और आप कुछ और भी लगाना चाहो, डील भी लगाना चाहो तो यहाँ से मिल जाएगा आपको। और आप अपने हिसाब से थंबनेल बनाना और कैसेट बनाना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसे वैसे आपको बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। अब दोस्तों, इसको सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से वहाँ पर जाना है, ये शेष मास्क ऐसे कुछ लिखा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद इस वाले भाग को फिर खींच देना है। तो दोस्तों, अब ये एकदम क्लियर हो गया, जैसे आप थोड़ा खसर से हुआ था वो सब कंप्लीट हो गया है। अब इसको दोस्तों राइट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको आपको सेव कर लेना है। मैं सेव कर लेता हूँ। अब चलो दोस्तों, इस कैसेट को आपको PNG कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप प्ले स्टोर पर आपको बैकग्राउंड इरेजर नाम का एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करना है। उसके बाद लोड फोटो पर क्लिक करना है और उसके बाद जो कैसेट आपने बनाया था वो कैसेट यहाँ पर आ गया, इसको को ले लेना है। और इसके बाद दोस्तों, ये ऑटो लिखा हुआ यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये सफ़ेद जो भाग है उस पर आप उंगली घुमानी है तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। और इसको कैसेट को थोड़ी जूम करना है और जो 20 का भाग आपको जो दिख रहा है उस पर भी थोड़ा उंगली घुमा देने की। तो दोस्तों, ये भी कट गया है। अब इसको राइट कर देना है, लिखा है आपको क्लिक कर देना है।
इस क्लिक करिए, यहाँ पे सेव। अब ये सेव हो गया है। तो दोस्तों अब आपको अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। तो मैं 16 पैनल पे क्लिक करिए, मैं अंदर आ गया। मीडिया में जाना है और आप जिस आपने थंबनेल बना रखा हो उस थंबनेल को आप क्लिक करना है और इसको क्लिक करने अपने हिसाब से लंबा कर लेने का। और इसके बाद आपको राइट पे क्लिक करके लेयर में जाना है और इसको थंबनेल को एक बार और ले लेना है। इसको लेके इधर की साइड में जैसे रखना चाहो इसे यहाँ पे रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रख दिया है, अपने हिसाब से थोड़ा सेट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर में जाना है और उसके बाद जो केसर आपने PNG की थी वो केसर लेना है। तो मैं ले लेता हूँ और इसको यहाँ से आप रखने के बाद आपको जो 3 टिक दिख रही है इधर, अब इसके बाद ये वापस भेज इस पर क्लिक करें, ये कैसे थोड़ी अंदर चली जाएगी। उसके बाद अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है। आपको अब इस कैसेट पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ घड़ी की दिशा स्पिन करें ऐसा लिखा है, इसको आप क्लिक कर देना है। तो ये मैंने कर दिया। इसके बाद अब दोस्तों आपको प्ले करके देखना है कि घूम रही कि नहीं। दोस्तों आप देख रहे हो कि ये कैसेट घूम रही है। दोस्तों आप इसी तरह से कैसेट बना सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए बाय और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ।